नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस सेशन 9 बजे वाले सेशन में, लाइव सेशन में। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बहुत सारे मुद्दे पर बात करेंगे और बहुत सारे आपको जो नोटिफिकेशन आया है, बहुत सारे आपके जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं वो भी होने वाले हैं, उस पर उसके विषय पर भी बात करेंगे। जैसे कि हवलदार का है, रीट का है, DSSB है और कई सारे, जैसे MTS हवलदार का है, बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं, आ चुके हैं, बस आप उसका फॉर्म फिल कर दीजिए। छोटे मोटे इस टॉपिक पर भी बात कर लिया करेंगे। कल से एक टॉपिक हम इसमें और भी जोड़ देंगे साथ ही, जिसमें कि एक किसी एक टॉपिक पर जो आपके ग्रुप डी में आने वाले हैं एग्जाम में GK, किसी एक टॉपिक पर मात्र 2 मिनट में हम इस पर बोलेंगे। आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हर सेशन में, 9 बजे वाले सेशन में ग्रुप डी के GK के लिए। मात्र 2 मिनट का हम GK लाएंगे, टॉपिक वाइज फर्राटे रूप में बोलेंगे उसको, आप लोग लिखते चलेंगे, जैसे कि सारे अवार्ड पहले खत्म करने का प्रयास करेंगे हम एक वीडियो में, ठीक है। चलिए, जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए, DLED एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी है बच्चों का। DLED एग्जाम बहुत ज़्यादा क्वेरी है, बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है कि सर डेट शीट कब आएगी। भाई एग्जाम तो होता है, अब डेट शीट मात्र 2 से 3 दिन में आपके सामने हासिल आ जाएगा, बस उसको देखते चलिए आप लोग। दूसरी बात है भाई, बहुत सारे बच्चों का कहना है सर CTET और UPTET जो है, क्या यह 2022 में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा शिक्षक भर्ती से पहले पहले। भाई होना तो तय है, होना तय है, क्योंकि आपको पता है भाई हर साल जो है ना, 2 CTET, इस बार कोरोना मोना नहीं है, 2 CTET और UPTET जो है, हर साल एक होता है UPTET और CTET 2 होता है। जब कभी मान लीजिए पिछली बार कोरोना वोना था तो भाई UPTET एक, मतलब UPTET हुआ, लेकिन 2020 में UPTET नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा मामला बहुत दिक्कत वाला था कोरोना के कारण, इसमें से नहीं हो पाया, लेकिन CTET एक हुआ था ना भाई। तो इस बार कुछ नहीं है सिस्टम में, तो यानी CTET होना चाहिए 2 बार। अगर CTET 2 बार होगा, यानी जुलाई वाला अगर CTET होगा, तो यानी कि आपका नोटिफिकेशन लास्ट अप्रैल तक आ जाएगा, इस बात को मानिएगा, क्योंकि बहुत सारे ब्राउजर्स द्वारा इसका संकेत दिया जा रहा है कि आपके एग्जाम जुलाई में होंगे और अगस्त में इसके रिजल्ट आ जाएंगे। यानी कि ऐसे में वो भी प्रशिक्षु वैलिड हो जाएंगे जो प्रशिक्षु इस समय सेकेंड सेमेस्टर में DLED बैक लगा के बैठे हैं, वो भी वैलिड होंगे, लेकिन उनके पास भी समय बचेगा। ऐसी बात नहीं, मात्र 2 से 3 दिन ही में ही तो DLED एग्जाम खत्म होंगे, सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर, यही ना भाई। इसके बाद आप ग्रुप डी के लिए लगिएगा, फिर उसके बाद आप CTET के लिए लगिएगा, मस्त तरीके से एग्जाम देना। भाई देखिए, एग्जाम बहुत सारे हैं, यह नहीं देखना है कि DLED में जो चीज़ें मैथ हैं क्या ग्रुप डी में, भाई हम बता देना जो DLED का सारा मैथ आप पढ़ रहे हो वो सब के सब ग्रुप डी में है, तो इस तरह इसका रिवाइज करिए कि शायद वह बच के नहीं जा पाए, उसका इतना रिवीजन कर दीजिए। एक बार आपने पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, और जिसको डर लग रहा है कि सर इस बार मैथ में बैक लगेगा हमारा, बहुत सर पूरा पढ़ लिए हैं, सर यहाँ पे अच्छे खासा हो जाता है, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत अच्छे प्रयास करते भी हैं तो नहीं हो पाता है और गलत हो जाता है, हमें लगता है सर कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है। ऐसा कब लगता है पता है, जब आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होते हो, आपके अंदर कूट कूट कर मतलब ज्ञान भरा हुआ है, इस वजह से आपको लगता है, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है, अब पढ़ने को कुछ बचा नहीं है। तो हम एक बात और कहेंगे साथी, एक रफ लीजिए आप, उस रफ पे ना जो अब हम मैराथन क्लास चला रहे हैं DLED थर्ड सेमेस्टर के, और कल बहुत सारे बच्चों का नाम है सर सर प्रीवियस ईयर पेपर करा दीजिए, तो प्रीवियस ईयर पेपर हमने करा रखा है DLED सेकंड सेमेस्टर का भी, थर्ड सेमेस्टर का भी, फोर्थ का भी और फर्स्ट का भी। तो ऐसे में DLED सेकंड सेमेस्टर का कल जितने भी 4-5 साल के पेपर हैं उसको एक साथ ही हम 3 बजे लगाएंगे, कल 3 बजे, और दोपहर में 12 बजे मैथ के क्लास थर्ड सेमेस्टर के तो मैराथन आएंगे ही आएंगे, यह तब तक चलते रहेगा शेड्यूल जब तक आपके पेपर ना हो जाए, ठीक है ना, उसको आप देखिए। और सुबह हम आप सभी से प्रशिक्षु से कहते हैं, सभी प्रशिक्षु से, मतलब जो भी प्रशिक्षु DLED कर रहे हैं अगर वो भी देखना चाहते हैं देख लें, अन्यथा के कारण अगर एग्जाम हो जाता है तब देखेंगे। CTET का मैथ का क्लास 7 बजे डेली आता है, रैंडमली चलाएंगे, एक दिन CDP एक दिन मैथ। तो अभी CDP का कम से कम 22-23 क्लास करवा दिए हैं हम, CDP वाला, CTET का, UPTET का, रीट का, यह सब का। इस तरह से अगर देखें CTET का जो मैथ है वह लगभग एक चैप्टर आज हमने खत्म किया है, 15 चैप्टर या फिर 11-12 चैप्टर हैं, तो 12 चैप्टर को खत्म करने के बाद 12 दिन में हम स्टार्ट करेंगे CTET के मैथ का पेडोलॉजी, इस तरह से पढ़ेंगे। मात्र 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि बहुत चीज़ें आप सीख चुके हैं, तो इस तरह से पढ़ेंगे साथ ही, बस आप साथ बनाइए। आपसे विनती है कि आप अपने इस प्लेटफॉर्म को इतना बड़ा करें ना कि देखने वाले आजू बाजू ऊपर नीचे वाले जलने लगे, ठीक है ना भाई, इतना बड़ा करें, सच में आपको इतना चीज हम दे देना कि हमारे ऊपर मतलब कि ब्लेम आने लगे और यूट्यूबरों का कि सर क्यों इतना ज़्यादा फ्री में दे रहे हैं आप सारी चीज़ें, हमारा नुकसान हो रहा है, मतलब हम आपको सब कुछ दे देंगे फ्री में हर चीज़, उनके ब्लेम से क्या ही लेना देना, क्या ही एक्शन लेकर हमारे पक्ष हमारे विपरीत में क्या ही कर लेंगे वो हमारा, लेकिन हम आपको सारी चीज़ें फ्री में देंगे, उस भी बच्चों को फ्री में देंगे जो बच्चे पेड क्लास लेते हैं,
पेड क्लास से कभी कंपेयर कर लीजिएगा, शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो हमारे उनके में डिफरेंस हो। मस्त तरीके से पढ़ाएंगे साथी, बस आप पढ़ते चलो। तीसरी बात करने वाले हैं, सीटेट तो आएगा भैया अप्रैल में, अगर अप्रैल लास्ट तक आता है तो जुलाई में एग्जाम होगा, क्योंकि बहुत सारे ब्राउजर संकेत दे रहे हैं। अन्यथा कंडीशन में एक नवंबर में आएगा, नवंबर में एक सीटेट आता है, और मतलब नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, नवंबर में एग्जाम हो जाएगा उसके तीन महीने पहले, दो महीने पहले ही आ जाता है। और यूपी टेट भी नवंबर में एग्जाम ले लेगा अपना, इस बार हो सकता है यूपी टेट जल्दी ले ले, है ना। देखिएगा, अगर शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, शिक्षक भर्ती के लिए भी हम बात करने वाले हैं अभी साथी, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है लगातार, है ना, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लस अदर मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं डायरेक्ट, है ना। तो वह एक तरह से जो आपके शिक्षक जगत से जितने भी अधिकारी हैं उनसे भी बात विवाद करते रहते हैं हमेशा, उसके लिए थोड़ा सा अपडेट है, उसको बताएंगे हम। और रहेगी बात ग्रुप डी के एग्जाम के डेट, भैया ग्रुप डी एग्जाम डेट इसके ऊपर आपको थोड़ा सा विषय में चर्चा करेंगे, जो भी प्रशिक्षु हैं बने रहेंगे उसके विषय में चर्चा करेंगे। भैया एमटीएस हवलदार का पोस्ट आया है, इसमें भी पढ़ाने वाला सिस्टम है कि आप, बहुत अच्छा पोस्ट है भाई इसे, है ना, लगभग 3600 पोस्ट है और 36,000 का भी एक वैकेंसी आने वाली, यूपी हवलदार का आने वाला है, इसी मंथ में आपको देखने को मिलेगा हवलदार 36,000, क्योंकि ये कई सालों से नहीं आया है, इस बार 36,000 आ रहा है भाई। मस्त तरीके से इसको भरिएगा आप लोग, हवलदार का है और काफ़ी ज़्यादा एज भी नहीं, मतलब 28 से लेकर 30-35 तक मांगा रहेगा एज, इसमें यह भरना रहेगा आपको, मतलब 18 से लेकर 35 तक। और ये 3600 जो आया है हवलदार वाला, ये एमटीएस का, इसमें पढ़ाने वाला काम रहेगा, इसमें आप पढ़ा सकते हो। एक रीट का आया हुआ है, रीट के लिए बच्चों का बहुत कहना है कि सर रीट के विषय में कुछ बताइएगा, तो किस प्रकार से कब लास्ट डेट है, ये हमने बता रखा है सेपरेट, लेकिन बच्चों का क्वेरी है तो फिर से एक बार बताना हमारा फर्ज है। डीएसएसबी का भी एक एग्जाम होने वाला साथ ही, इसमें आप सभी लोग टेक और नॉन टेक सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बता लेते हैं फटाफट, पहले बता लेते हैं एमटीएस हवलदार का पोस्ट, जो कि एमटीएस हवलदार में पोस्ट दोस्तों आपका, यानी कि जो यह चीज़ है, मतलब अगर बात करें इसमें पढ़ने पूरा का पूरा सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा है, पढ़ाने का सिस्टम है इसमें, आप पढ़ाएंगे और लगभग कह लीजिए कि इसमें 18 से लेकर 27 तक एज भी मांगा गया है, यानी कि सारे प्रशिक्षु भर सकते हैं। और रह की बात 160 सेंटीमीटर आपके, एक मिनट, 1600 मीटर यानी कि लगभग एक कोस के आसपास आपको दौड़ना होगा, जो मेल हैं और उनको 15 मिनट में, और जो फीमेल हैं उनको 1 किलोमीटर दौड़ना होगा भाई 20 मिनट में, है ना। दौड़ तो जाओगे भाई 1 किलोमीटर 20 मिनट में आराम से दौड़ोगे, और 1600 किलोमीटर दौड़ना है आपको 15 मिनट में जो मेल हैं, दौड़ जाएंगे आराम से। और जो मेल हैं उनको साइकिलिंग करना है भैया 8 किलोमीटर 30 मिनट में, और फीमेल जो है उनको साइकिलिंग करना है 3 किलोमीटर 25 मिनट में। सोच लो भाई कितना ज़्यादा फर्क है, यह करना है हवलदार वाले में, आराम से आप लोग भर सकते हैं इसको। जो रीट वाला है साथी, रीट की अगर बात कर ले तो रीट के लिए सभी प्रशिक्षु पता है 23 और 24 दो दिन एग्जाम होगा दोनों पाली में इसका, राजस्थान रीट का है, राजस्थान टेट जो कराता है अपना वही है। इसके बाद 18 अप्रैल से लेकर 18 मई तक इसका लास्ट डेट होगा, आप भर सकते हैं। ₹550 दोनों, यानी लेवल वन और लेवल टू का एक तरह से फीस है, लेकिन अगर आप दोनों भरना चाहते हैं, लेवल वन और लेवल टू दोनों भरना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको मात्र ₹750 लगेंगे। लेकिन अगर आप पहले से लेवल टू भर के रखे हैं तो लेवल टू के लिए कोई फीस नहीं देना पड़ेगा आपको, लेवल वन के लिए आपको ₹550 देने पड़ेंगे। यह चीज़ें हो गई। अब डीएसएसबी की बात कर लेते हैं, जो डीएसएसबी आया हुआ है साथ ही, डीएसएसबी एग्जाम है दिल्ली का है, यह वेरियस पोस्ट पे आया हुआ है, लगभग 168, इसमें नॉन टेक और टेक सारे प्रशिक्षु भर सकते हैं इसको, 18 से लेकर 35 साल तक अभ्यर्थी जो है भरेंगे आराम से। ये 24/4 यानी 20 अप्रैल से स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन बिगेन होगा, यानी कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट होगा। इसके बाद 9 मई लास्ट डेट होगा इसमें साथ ही, इसमें नॉन टेक और टेक दोनों लोग भर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है साथ ही, इसमें ₹100 मात्र फीस लगेंगे आपके, ठीक है। अब बात करते हैं डीएलएड एग्जाम, आप सभी के कमेंट लेंगे, सभी बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे। हाँ भाई, ग्रुप डी के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ग्रुप डी का एग्जाम कब, भाई जुलाई फिक्स है, ये कमिटमेंट किया गया है, जैसे जो आपका एनटीपीसी है उसका कमिटमेंट किया गया था, सेम उसी डेट पर हो रहा है। तो जो जुलाई यानी 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में आपके स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम ग्रुप डी के, और इसका रिजल्ट जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा साथ ही, अक्टूबर नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा इसका, लगभग 2-2.5 महीने चलेंगे, और 2-2.5 महीने आगे का जोड़ लें नवंबर तक रिजल्ट आएगा, जनवरी फरवरी तक, यानी कि 2023 के फरवरी तक आपको एक तरह से सिलेक्शन वगैरह का जारी करने लगेगा, सारी चीज़ें आने लगेंगे का लेटर वगैरह, तो इस तरह से बहुत जल्द प्रोसेस इसका होगा, क्योंकि बहुत विलंब हो चुका है, इस सरकार भी जानती है, क्योंकि आगामी उसको भर्ती निकालनी है, क्योंकि 24 में चुनाव है, इस वजह से बहुत तेज प्रोसेस होगा, आप देखना। तो आप लोग लग जाइए ग्रुप डी के लिए,
काफ़ी पोस्ट है, 1,04,000 के आसपास पोस्ट है, मतलब कि पोस्ट मतलब कि सीट है, आप आराम से इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं प्रशिक्षक। बहुत अच्छी जॉब है, आप प्रमोट भी हो सकते हैं, इसमें 32,000 से 33,000 मिलते हैं इंसेंटिव वगैरह जोड़ के सारी चीज़ें। तो आगे आप अगर टेक से हैं या फिर BSc किए हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, इसमें आराम से 1-1.5 साल में आपका प्रमोशन होगा, लगभग स्टेशन मास्टर या फिर JEE तक आप जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होगा। अब हम बात करते हैं DLED एग्जाम से रिलेटेड प्रशिक्षुओं, तो DLED एग्जाम जो है आपका DLED एग्जाम 25 से ही होगा। अगर आपको भटकाने भुटकाने वाला कोई मिल रहा है तो उसके विषय पर उसके बातों पर आप न आए, आपको केवल DLED एग्जाम पर फोकस करना है। किस पर? DLED एग्जाम पर 25 तारीख को, भैया हम मेहनत कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे कहते थे जब प्रमोट होने वाली बात थी, बहुत सारे बच्चे कहते थे अरे मास्टरवा पगला गया ससुराई, सब बच्चे प्रमोट के पीछे पड़े हैं, ये पढ़ा रहा है खाली, यह नहीं चाहता है प्रमोट। भाई हम कब नहीं चाहे प्रमोट होने की बात बताओ, लेकिन हम ये चीज़ भांप चुके थे पहले से कि आप शायद ही प्रमोट होंगे। साथ ही जिस दिन वहाँ पे धरना हुआ था लास्ट, जब चुनाव था, चुनाव स्टार्ट होने वाला था तो लास्ट धरना कराया गया था, उसके बाद मतलब समझ रहे हो ना, इतनी पसीना, ठंड था, ठंड के माहौल में इतना पसीना हुआ था, पूरा शर्ट टी शर्ट गंजी गंजा सब भीज गया था, समझ रहे हो ना, ऊपर से नीचे तक, मतलब समझ लो इतनी ठंडी में साथ ही सारे कपड़े भीज गए थे, सारे बच्चों के, सारे बच्चियाँ एकदम सीने पर अपने पीट कर, मतलब तब भी नहीं निकल रहे थे सचिव। लास्ट में आते हैं, बोलते हैं कोई प्रमोट नहीं होगा और वहाँ से कहकर चले जाते हैं, और जो हमारे छात्र नेता वगैरह रहते हैं सब कुछ, मतलब कि कुछ को कुछ नहीं बोलना, फिर उसके बाद बस एग्जाम होगा, एग्जाम होगा, बाद में फिर आपको एक बीच में धरना कराया गया, लेकिन कुछ हुआ फर्क? कुछ नहीं फर्क हुआ, आपके एग्जाम होंगे साफ साफ, यह बात आपको पता होना चाहिए। और साथ ही इस वजह से हम सारे क्लास लगाते रहे, लोग पागल कहते रहे, है ना, पागल का मतलब लोग कहते रहे सर क्या ही सर कर रहे हो सर, हम लोग के मतलब कि हम लोग का साथ नहीं दे रहे हैं आप, है ना। भाई साथ तो अब आपको पता रहा, अब पता चल रहा होगा साथ कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। सारे क्लासेस हमने करा दिए, मैथ के, SST के, साइंस के, सारे सेमेस्टर के, आप खुद आके देखो, देखो तो भाई पहले, और सारे प्रीवियस ईयर पेपर कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक दिन में। वैसे प्रीवियस ईयर पेपर हमने एक एक करा रखे हैं, लेकिन अब 4-4 साल का, 5-5 साल का पेपर एक ही दिन में कराएंगे, 1 घंटे में। आप खुद देखिएगा जो आपके मैथ के पेपर होंगे 1 घंटे में, वही मैथ के पेपर हम, एक मिनट आप कमेंट भी देते रहें जवाब थोड़ा सा हम, है ना, ठीक है ना। तो आपका जो है कि हम एग्जाम मतलब पेपर 4-5 साल का एक ही बार में, एक ही साथ 1 घंटे में कराएंगे, आपको बताएंगे तरीके भी कैसे करने हैं। जो बच्चे अभी एक शाम को वीडियो आया था नहीं देखे हैं, देख लेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि किस प्रकार से एग्जाम में लिखने हैं कापियाँ, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, चाहे फोर्थ, सारे बच्चों को हम कहेंगे। और जो उनका सेकंड सेमेस्टर बैक है वो बिल्कुल ना घबराएं भाई, उनका देखिएगा सेकंड सेमेस्टर पूरा क्लियर होगा और थर्ड सेमेस्टर भी क्लियर करेंगे। और शायद इतना ज़्यादा एग्जाम होने के बाद तुरंत उनका हर तरह से जुलाई अगस्त में रिजल्ट आएगा, जुलाई वगैरह के आसपास, और उसके पहले भी आ सकता है रिजल्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर भरेंगे हम लोग, रिजल्ट पहले निकलवाएंगे। और फोर्थ सेमेस्टर का आपका बहुत जल्द पेपर होगा, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि आपके सेशन लेट हुए हैं इसके, मतलब कि एग्जाम कराएं हो लेकिन थोड़ी तेज़ी उसमें लाएं, पहले से ही प्रेशर किया रहेगा, किया जाएगा हम लोग, तो जिससे कि वो आपके एग्जाम भी बहुत जल्द करा लेंगे और आपके आगामी जो शिक्षक भर्ती उसके लिए आप UPTET CTET बहुत जल्द दे सकोगे, जिससे कि आगामी शिक्षक भर्ती में बैठ पाएंगे आप लोग ना भाई। हाँ, सारे प्रशिक्षु बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए भाई हम यही कहना चाहेंगे भाई कि आप सभी को शिक्षक भर्ती UPTET CTET और UPTET की बात कर ली हमने कि कब आएगा कब नहीं आएगा, और ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहिए। और एग्ज़ाम जो आपके शिक्षक भर्ती है साथ ही इसमें विलंब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा हमारे जो छात्र नेता लोग हैं वो बहुत ही जमीनी स्तर पर रहकर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी उनको एक तरह से जीत नहीं नज़र आ रही है, वो अपने पे अड़े हुए हैं। और शायद उन लोग का कहना है कि हम भर्ती लेके रहेंगे चाहे जैसे, लेकिन ये तो चुनाव के पहले भी सारी चीज़ें हो रही थी, जब चुनाव के पहले हो रही थी तब नहीं हुआ साथी, तो अब तो उनके हाथ में है, समझ रहे ना, ये सारी चीज़ें। हमको तो नहीं लगता है कि 2023 के पहले आएंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ मतलब बहुत दबाव बना, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन क्योंकि ये बात बोल सकते हैं वो कि देखिए भाई हमने पहले शिक्षक और छात्र का अनुपात हमने बता दिया है कितना है, तो ऐसे में सीट तो मतलब ये हमारे पास वैकेंट है ही नहीं कुछ। लेकिन आपको क्या पता भाई, हर साल शिक्षक कहाँ रिटायर होते हैं, रिटायर होते हैं क्या भूत बन जाते हैं, तो दिखेंगे नहीं, या फिर आपका पोस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। पोस्ट भैया हर साल अगर देखें तो लगभग 20,000 से 25,000 पोस्ट खाली होते हैं आपके यहाँ से, अगर हर साल देखेंगे चार, अगर इस साल आप नहीं दिए तो 4 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 4, 20, 24, 80 हज़ार तो ऐसे ही बन रहे हैं, प्लस 20,000 आप तो जोड़े थे पिछले वाला, इस तरह जोड़ेंगे, अगर 97,000 भर्ती की बात हो रही है प्लस 22,000 जोड़ने की बात हो रही है, तो इस तरह 1,19,000 पोस्ट आना चाहिए, और 1,19,000 आएगा, इसको हम लोग लेके रहेंगे। लेकिन साथ ही थोड़ी सी विलंब होगा, 2023 मिड तक जाएंगे। इसका कारण भी होगा यह कि आगामी शिक्षक भर्ती को देखते, मतलब आगामी जो आपका लोकसभा का चुनाव है उसको देखते हुए भर्ती निकालना चाहेंगे, है ना, इस वजह से विलंब होगा। और अगर विलंब होता है तो मतलब देर से आए लेकिन तंदुरुस्त आए, साथ ही इतना देर तो हो ही चुका है, लेकिन खैर जो चीज़ें हमको सामने दिख रही हैं। अब देखिएगा जो जितने भी सेंट्रल एग्जाम हैं,
बहुत ही लपा मतलब बहुत झटके में होगा और बहुत फटाफट आपको ज्वाइनिंग देंगे, जैसे रेलवे का हो गया, MTS हवलदार का हो गया, और प्लस आपका जो हवलदार का एक पोस्ट आने वाला वो हो गया। 2024 तक सब कुछ क्लियर करा देंगे, 2023 तक खत्म होते होते सब कुछ क्लियर करा देंगे, क्योंकि 2024 में भैया चुनाव है। इस तरह से आप लोग लगे रहिए मित्र, आपको जो चीज़ें सजेस्ट किया जा रहा है सीटेट के लिए, बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, आप देखिए प्ले लिस्ट में आइए, आप खुद बताइए। अगर कोई और क्लासेस की कमी है तो आप अपनी संख्या तो बढ़ाओ पहले, हर एक चीज़ दिया जाएगा आपको। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें रही, हम आपके कमेंट ले लेते हैं फटाफट। देखिए प्रियंका सिंह जी का कहना है सर यूपी टेट में टेट और सीटेट होगा 2022 में, यूपी सीटेट और सीटेट होगा, बिल्कुल होगा, आप सियोरिटी के साथ पढ़ाई करते रहें बस प्लेलिस्ट में आके सब कुछ, और होना तय है। ठीक है भाई, प्रियंका सिंह, देखिए भाई हर साल होता है यूपी टेट, और हर साल में, साल में दो बार सीटेट होता है, तो क्यों नहीं होगा भाई, कोई कोरोना थोड़े है इस समय, कोरोना मोना नहीं ना है, तो आप एग्जाम होंगे। प्रियंका सिंह जी का कहना है नाइस वीडियो, थैंक्स ब्रदर सर, सर 19 बैच के मैथ पेपर 16 से लेकर अब तक सॉल्व करा दीजिए। भाई आप तो जुबान की बात छीन लिए हमारे बहन जी, सारी चीज़ें हम कराएंगे, तो हम सोच के ही रखे थे, है ना, किसी के लिए नहीं, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए सोच के रखा गया था सारी चीज़ें। किसी का आइडिया था, बहुत अच्छा आइडिया उन्होंने दिया मुझे कि सर, मतलब सर क्या मतलब लगाव बहुत ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो कौन हो, मतलब उन्होंने बोला कि करा दीजिए सारे का सारा पेपर, तो हम उसको लेकर सारी चीज़ें आपके सामने कल प्रस्तुत हो रहे हैं। पहले हम कराएंगे आपके सेकंड सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के सारे मैथ के, मतलब मैथ के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको एक साथ ही हम कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को पूरा का पूरा थर्ड सेमेस्टर का करा देंगे। और थर्ड सेमेस्टर का महामैराथन 12 बजे से तो चल ही रहा है, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अब जो क्लास चल रहा है उसको देखोगे ना, बहुत ज़्यादा फायदे करेगा साथी, क्योंकि अब जो है बुक का हम निचोड़ दे रहे हैं आपको। तीन यूनिट आज खत्म किया गया है, देखिएगा पहला मैराथन आया था थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, आपने ये बात यही सही बोला, कुछ बच्चे तेज नहीं होते हैं बट हैंड राइटिंग के बदौलत और लिखावट की अच्छाई पर पास होते हैं, मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, सुधर जाएगी, हमने जैसे बताया उस तरह से आप लिखिए मैडम प्रियंका सिंह बहन जी, तो बहुत ही अच्छा नंबर पाएंगे आप बहन। ठीक है सर, टाइम टेबल कब तक आएगा? टाइम टेबल बस देखिए, जो बच्चे कह रहे हैं टाइम टेबल कब तक आएगा, उनको एक बात हम बता देते हैं, आपके टाइम टेबल समझ लीजिए आ ही चुका है, आपके एग्ज़ाम उसी के बीच होंगे, और वो ऑफिशियल था, कोई फेक नहीं था भाई, ऑफिशियल था, अभी कोई है नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई यूपी टेट मतलब कोई मतलब कि उत्तर प्रदेश का कोई एग्ज़ाम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कहाँ से एग्ज़ाम टलेगा आप बताओ, टलने का कोई दो राय है या फिर कोई माध्यम है, टला दो उसको ना, तो आप लोग बस प्रतिबद्ध होकर उसी डेट के उसी डेट को, बिल्कुल फिक्स है वो डेट, उसी डेट में एग्जाम होगा, तो बस तरीके से पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए, रिवीजन करिए, एक से दो दिन या फिर दो से तीन दिन भी लग सकते हैं आपके सामने, आपके हो सकते हैं पूरे के पूरे डेट आ जाए। ठीक है, आप कम्युनिटी में लगा देंगे, टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का भी और इंस्टाग्राम का भी, इंस्टाग्राम पे अगर आप जुड़ते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट आप कमेंट करेंगे, वहीं पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। सर टाइम टेबल, थैंक्स सर जी, रियली थैंक्स, थैंक यू सो मच। अंशिका यादव, सर आपकी शादी हो गया है कि नहीं? देखिए बहन जी अंशिका यादव जी, हमारी शादी हो गई है, क्योंकि हम 60 साल के हैं और हमारे कुरकुरे जो है करीब 55 साल की, तो दोनों लोग की शादी हो चुकी है, छोटे छोटे मतलब कि दो महीने के बच्चे भी हैं हम लोग के। ठीक है भाई, वो स्कूल में जाते हैं अभी, LKG UKG में है, दो सोच लो दो दो महीने के बच्चे LKG UKG में लगा रखे हैं, क्योंकि वो बहुत आगे उनको भेजना है, हम लोग 60-55 साल पे जाकर शादी किए, तो मतलब अभी से वो पढ़ेंगे तब जाकर उनका जल्दी शादी हो सकेगा ना। प्रियंका बहन जी कौन थी? अंशिका यादव जी। ठीक है बहन, जीतू ठाकुर गुड न्यूज़ सर जी, थैंक यू। राखी यादव का कहना है प्रियंका सुनकर मैं खुद परेशान हूँ। भाई परेशान मत हो, तो तुम लोग बस मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, जो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु हैं उनसे रिक्वेस्ट है भाई, देखिए अभी एक डाइट है जो कि बहुत ही अच्छा संकेत दिया है, कि उन्होंने कहा है कि भैया सभी लोग अपने प्रत्यावेदन का मैच करना स्टार्ट करें, इसका मतलब साफ साफ कि आपके एग्जाम होने वाले हैं। भैया देखिए, अगर एग्जाम ना होते तो इतने ज़्यादा फॉर्मेलिटी क्यों कराते हो, यहाँ जमा करो, फिर कॉलेज में जमा करो रिसीविंग, फिर भैया डाइट में जमा करो, मतलब क्यों वह फॉर्मेलिटी कराते हैं, आप खुद सोचो, यह हमारे PNP सचिव के अकॉर्डिंग नहीं होता है चीज़, ये डायरेक्ट आपके जो डेट जिनका नाम आएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है साथी, जिनका जिनका नाम आएगा लिस्ट में SCRT द्वारा, पहली बात है उनको कोई एग्जामिनेशन फी नहीं भरना है, जिनका नाम आएगा SCRT द्वारा उनके डाइट पर आएगा, आप डाइट पर अपने संपर्क करते रहें, अपने निजी संस्थान में संपर्क करते रहें, जिनका भी आएगा लिस्ट में नाम उन्हीं का एग्जाम होगा और उन्हीं को फीस देना होगा, डायरेक्ट उनका जो एडमिट कार्ड होगा SCRT से आएगा, न कि आपको कॉलेज से मिलेगा। ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना है। हाँ सर, सीटेट और यूपीटेट दोनों क्लियर है, ओनली एक पेपर की वजह से मैं बर्बाद हो गई ना। भाई प्रियंका सोनकर जी क्यों बर्बाद हो गई बहन, बताओ इसमें क्या ही है, बताओ इस तरह से सारे प्रशिक्षु सोचते रहे तो बहुत हुआ ना कुछ, तो आप क्यों बर्बाद हो, आप तो बहुत बेस्ट हो भाई,
इसमें कुछ नहीं है, आप मस्त तरीके से पढ़ते रहो। और आगामी मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं सोचना चाहिए, आपके साथ अच्छा होगा। आप यूपीटेट सीटेट निकाल ले रहे हो, अब इस बार दो एग्जाम ना, एग्जाम दो, फिर से सीटेट दो, मतलब समझ रहे हो, आपकी लाइफ बहुत बेस्ट हो जाएगी। सीखने को कुछ मिला है ना, अब उसको फोड़ दो। पहले इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े थे, सारी चीज़ें आपका बैक लगता जा रहा था, लेकिन अब बताओ, अब किसी का बैक लग जाए, एग्जाम देकर आओ, बैक लग जाओ तो फिर कहना। लेकिन एक शर्त पर कि सारे क्लासेस आपको 2 से 3 बार रिवाइज करके जाना है, इतना याद रखना। प्रैक्टिस भरपूर करिए मैथ की, मैथ में बहुत बच्चों का बैक लगता है, भोगते भी हैं बच्चे, लेकिन मैथ में अब बैक नहीं लगेगा, इतना गारंटी हम देते हैं। मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, समझ लीजिए आप। ओमिता द्विवेदी जी का कहना है, सर मैं बाहर रहती हूँ, सही न्यूज़ बताएं, 3 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा प्लीज़। सर बिल्कुल होगा, 25 से ही होगा एग्ज़ाम, यह ऑफिशियल डेट है। रोहित कुमार जी का कहना है, सर प्रत्यावेदन वालों का एग्ज़ाम कब होगा? भैया देखिए रोहित जी, रोहित मेरे भाई, जो आपके एग्ज़ाम हैं वह 25 मतलब बोला गया है कि मई में करा लिए जाएंगे। अब ये कब कराए जाएंगे मई में, इसका कोई डेट नहीं है। अनाउंसमेंट भी वो एक बैक करेंगे उस चीज़ की, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अनाउंसमेंट होगा और उसी डेट पर आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। ज़्यादातर उम्मीद बन रहा है कि इन्हीं के बीच जो प्रशिक्षुओं का एग्ज़ाम है 25 से लेकर 11 मई तक, फर्स्ट से लेकर 4 सेमेस्टर तक जितने भी प्रशिक्षु हैं उनके साथ ही आपके एग्ज़ाम करा लिए जाएँ। नेहा चौधरी जी का कहना है, थैंक यू बेटा। वीके विशाल जी का, थैंक यू भाई जी, 4 टाइम चांस मिल जाए, बस मिलेगा, क्यों घबरा रहे हैं? सच में सर, थैंक यू भैया। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। राखी यादव TRF ये बात कर रही हैं, राखी यादव अनिकेत साहू, थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत थैंक यू। देखिए भाई, आप सभी जो सीटेट के हमने पेपर कर, सीटेट का जो क्लास चला रखे हैं सुबह, अभी 4-5 चैप्टर मतलब 12-13 चैप्टर ही हैं हमारे मैथ में, उसको ख़त्म करने के बाद फिर से हम CDP पे लग जाएंगे। CDP के मैक्सिमम क्लास हमने करा दिए हैं, आप उसको नहीं देखें तो देखिए, प्लेलिस्ट में सजा दिया गया है सारी चीज़ें। अब आशा करते हैं आपके डाउट हम क्लियर कर पाएँ, और अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, आप कमेंट कर दिया करें, जिससे कि हम आपके कमेंट में ही आपके जवाब दे सकें। साथियों नमस्कार, अगर आपको कोई खामियाँ नज़र आती हैं इस प्लेटफॉर्म पर सारे क्लासेस में, तो आप उस खामियों को दूर करने के लिए सुझाव दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर यह सारी चीज़ें दिक्कत हैं, थोड़ा सा सुधारिए। लेकिन भाई बोर्ड वगैरह पे मत बोलिएगा, बोर्ड वगैरह पे थोड़े से, क्योंकि अभी ज़्यादा इनकम वगैरह नहीं है तो इस वजह से लगा नहीं सकते हम ना, क्योंकि समझ रहे हो ना, डिजिटल बोर्ड काफ़ी ज़्यादा महंगा आते हैं, काफ़ी महंगा नहीं आते हैं, उसको चाहें तो हम ले लें, लेकिन हम पिताजी से मांगना नहीं चाहते हैं कोई चीज़। तो सच में अगर आप इस प्लेटफॉर्म को प्यार करते हो तो खुद से यह दावा कर लो, खुद से ये समझौता कर लो, इस सर के लिए डिजिटल बोर्ड हम दिलाएंगे, इतना शेयर कर दीजिए। साथी बस यही विनती है कि सारे प्रशिक्षु सफल होंगे, यह पूरा दृढ़ विश्वास है हमें, जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं ना, उतनी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, मात्र 2% ज़्यादा आप कर लो, 2% ज़्यादा का मतलब रिवाइज सिर्फ आप कर लो। हम देखो कितनी बार रिवाइज करा रहे हैं आपका, तो आप भी रिवाइज करो ना, क्योंकि हमें पता है जिसमें प्रशिक्षु परेशान होते हैं वह चीज़ हम प्रशिक्षु को दे सकते हैं तो देंगे, जब तक जान है तब तक ये जहान में आपके लिए हम सारी चीज़ें दे देंगे। साथ ही बस मस्त तरीके से करते रहिए, और एक बात और कहेंगे, किसी प्रशिक्षु को कोई प्रशिक्षु गलत ना बोले, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, और अच्छा नहीं लगता भाई, आप लोग भविष्य के भावी टीचर हैं, जिससे कि दिक्कत परेशानी बढ़ जाती है ना, नहीं समझ रहे ना, आपको YouTube ब्लॉक कर देगा कभी ज़्यादा दिक्कत हो गया तो, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप क्रिएट कर देंगे तो हमारे द्वारा ब्लॉक किया जाना मजबूरी हो जाएगा, जिससे कि आप अलग प्रशिक्षुओं का, या फिर हो सकता है कोई वायरस वगैरह हो, वायरस के रूप में 2-3 रुपए वाले 4 रुपए वाले हों जो कि आ जाएं कमेंट करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म से, है ना, तो ऐसे प्रशिक्षुओं को यहाँ से चले ही जाना चाहिए, जिससे कि और भी हमारे प्रशिक्षु उससे परेशान न हो। नमस्कार, अपने भाई बहन की तरह रहिए, मस्त तरीके से प्यार से रहिए, दृढ़ संकल्पित रहिए कि सारी चीज़ें आगामी तय होंगी। भैया इतने एग्जाम लगे हैं और आपके लिए सबसे सुनहरा मौका है कि 2023 में आप 2023 तक जॉब पा ही जाएंगे साथी, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, इस तरह से बहुत सारे भर्ती आने वाले हैं, और ग्रुप डी के लिए आप लग जाइए, तन मन धन से लग जाइए, धन क्या, तन मन से लग जाइए। रीजनिंग मैथ पर इतना जोर तरीके से ध्यान दे दीजिए, रीजनिंग मैथ और साइंस, जो फिजिक्स है और बायो है, इन दोनों पर बहुत ही बेजोड़ तरीके से ध्यान दीजिए, फिजिक्स और बायो पर बजाना आ जाए, कहना मस्त तरीके से, धन्यवाद।